दोस्तों, हाल ही में विवेक ओबराय काफी चर्चा में है और इनकी चर्चा के कई कारण हैं। मैं आपको उनमें से दो कारण अभी आज की वीडियो में बताने वाला हूं। एक कारण तो आप शायद जानते होंगे, जो सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड है, जिसमें उन्हें उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है ड्रग्स के मामले में। लेकिन जो दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि वो UAE में फंस चुके हैं। लेकिन वो UAE में क्यों फंस चुके हैं, जानिए इस वीडियो में। उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दिस इज योर होस्ट आकाश एंड यू वॉचिंग नेक्स्ट नाइन लाइव। तो दोस्तों, हाल ही में विवेक ओबराय ने एक वीडियो को शेयर किया जो उन्होंने UAE से बनाई थी। विवेक ओबराय किसी काम को लेकर दुबई में गए हैं और दुबई में वो अभी फिलहाल वहीं मौजूद हैं, लेकिन वहां पे उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसको लेकर वो काफी चर्चा में आ गए। दोस्तों, इस पूरे हादसे को उन्होंने खुद बयां किया एक वीडियो बनाकर और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर भी किया है। आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से ये वीडियो देख भी सकते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो अपनी परेशानी को बयां कर रहे हैं। उनकी परेशानी क्या है, आइए जानिए। तो दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ कि विवेक ओबराय इंडिया से गए दुबई, लेकिन दुबई जाने से पहले वो भूल गए अपना वीजा इंडिया में ही, जिसके बाद उन्हें वहां की अथॉरिटी ने पकड़ लिया। आप जानते होंगे कि दुबई की या UAE की कहें, उनकी अथॉरिटी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। वो किसी भी चीजों को लेकर बिल्कुल भी छूट नहीं देते हैं। इसके चलते उन्हें पकड़ लिया गया और अथॉरिटी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद विवेक ओबराय ने उनको बताया कि मेरा जो वीजा है वो इंडिया में ही रह गया है और मैं किसी काम के सिलसिले में यहाँ पे आया था। और इसके लिए उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, जिसके बाद अथॉरिटी ने उनकी इस बात को समझा भी। और विवेक इस वीडियो में ये भी बताते हैं कि आप अपना वीजा वहां पे खरीद भी सकते हैं, और अगर आपका वीजा इलेक्ट्रॉनिकली अपडेटेड है तो आप अपना वीजा को वहां पे भी खुलवा सकते हैं, जिसके चलते उनकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लिया गया। इसके बाद विवेक ने ये भी बताया कि उनको अथॉरिटी ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्होंने बहुत अच्छे से उनके साथ बात की और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि UAE में उनकी अथॉरिटी जो है वो कितना अच्छे से ट्रीट करती है। दोस्तों, इस बात से ये जिक्र होता है कि विवेक भी इस बात से घबराए हुए थे कि कहीं उनके साथ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले लिया जाए, क्योंकि UAE की जो पॉलिसीज हैं, वहाँ के जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके चलते उन्होंने इस बात का क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें अथॉरिटी ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, इसके बावजूद कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उन्होंने उस गलती को समझा, अथॉरिटी ने उनका साथ दिया और अब फाइनली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम लाइव से आकाश।